जो नई नई लड़की होती तो उसे इस धंधे में डालते हैं। शुरू बार में जब 11-12 साल की होती, जब मैं 15-16 साल की थी तब पढ़ाई कर रही थी, 10वीं में पढ़ाई करती थी, तो फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ के फिर इस काम में उतरना पड़ा। फिर 3-4 साल तक किया ये काम। पहले तो मैं नानी करती थी, नानी के बाद मम्मी ने किया, मम्मी के बाद फिर हमने, शुरू से मतलब चलती आ रही है। जब मैं 17-18 साल की होने लगी तब समझ आया, लगता था कि गलत है ये चीज़, तकलीफ भी होती है शरीर में, तो लग गुस्सा तो आता था पर मजबूरी के कारण करना पड़ता, अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। दिन में आ जाते थे 4-5 लोग, फिर नाइट में दूसरी जगह जाते थे, वहाँ मतलब जैसा भी माहौल होता है, कभी 10 भी आ जाते थे, कभी 5 भी आ जाते, कभी 2, कभी 3। तो सामने वाला इंसान होता है उसके कुछ बीमारी होती तो फिर वो लड़की को लग जाती है, और लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है, सभी लड़कियों के बच्चे, फिर और उनको उनके बच्चे के लिए और ज़्यादा करना पड़ता है। अगर मैं निकली हूँ तो दूसरों को भी निकालूंगी। मैं यही चाहती हूँ जो मतलब शुरू से परंपराएं चलती आ रही हमारी वो ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल। जिसने पढ़ाई छोड़ रखी उनको बाहर निकालते हैं कि तुम पढ़ो आगे, अगर तुम्हारी इच्छा है वो बता सकते हो, जैसे तुम्हें ये काम नहीं करना है तो। हीना दीदी और हम फर्स्ट बार मिले थे तो हीना दीदी हमारे घर पे आए थे, और हीना दीदी बोले कि मैं करूँगी तुम्हारा सपोर्ट, तुम पढ़ाई करो, और वो बोले कि ऐसी सोच नहीं रखना है, मैं भी निकली हूँ बाहर तो तुम लोग भी निकलो बाहर इस चीज़ से, तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूँगी तुमको, मैं हेल्प करूँगी तुम्हारी। जो लड़की के ऊपर गुजरती वो तो उसे पता रहता है, जब वो नाबालिग रहती इस दलदल में डाल देते हैं तब उसे कुछ समझ नहीं आती, अगर उन्हें कुछ रोज़गार मिल जाए तो वो निकल जाए, पर उन्हें कुछ कमाने के लिए कुछ है भी नहीं, तो मजबूरी के कारण फिर उनको वही काम करना पड़ता, वो चाहती भी है कि हम निकल जाएँ, फिर भी नहीं निकल पाती कि और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना उनके पास। जिस लड़कियों की जाने की संभावना थी इसमें, जिसने पढ़ाई छोड़ रखी थी उनको बाहर निकला, उनको वापस पढ़ाई से मतलब पढ़ाई के लिए फॉर्म भरवाए, जिसने 2-3 साल से पढ़ाई छोड़ रखी थी, शिक्षा की वजह से बदलेगा सब।